पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन के लिए नई हिकमत अमली पर गौर। क़यादत की जानिब से गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद नई हिकमत अमली तैयार करने का फैसला किया गया है। यूनियन काउंसिल्स की सतह पर टीमें भी तश्कील दी जाएंगी। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करेंगे, आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, आगाह कीजिएगा इस हिकमत अमली से मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, PP 168 के में जो आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद जब नशित खाली हुई थी तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मालिक असद अली कोकर को टिकट दिया गया है, जिसके हवाले से जो हुकूमत अमली है वो भी तैयार की गई है। क्योंकि गुज़िश्ता आम इंतखाब में 19,000 के मार्जिन से सियाल पट्टी को शिकस्त हुई, तो यही वजह है कि PP 168 के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर एक तो टीमें तश्कील दी जाएंगी, इसके साथ साथ ज़राए के मुताबिक इनके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो भी मुकर्रर किए जाएंगे और कोऑर्डिनेटर हलका की आवाम से रबते में भी रहेंगे और इसके साथ साथ जो भी मसाइल होंगे अवामी उनको भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। कोऑर्डिनेटर की जो तैनाती है वो आइंदा 2 से 3 रोज के दरमियान हो जाएगी। नई टीमें तश्कील दी जाएंगी। शुक्रिया आकिब तनवीर, आपने तफसीलात से आगाह किया।